हेलो नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज डिस्कस करने जा रहा हूँ दोस्तों यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन दोस्तों कि कौन कौन सी कंपनी आई थी दोस्तों। ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी दोस्तों, डच आई थी दोस्तों, फ्रांसीसी इंडिया आई थी दोस्तों। कौन कौन सी कंपनियाँ भारत के अंदर आई थी दोस्तों और उनका कौन सा कालक्रम था दोस्तों, तो उसको याद करूँगा दोस्तों कितने सेकंड में दोस्तों, विद इन 2 सेकंड में दोस्तों। तो विद इन 2 सेकंड में याद करूँगा दोस्तों जितनी भी भारत के अंदर कंपनियाँ आई थी दोस्तों, उनके नाम दोस्तों आपको याद करूँगा दोस्तों। तो मेरे पास एक ट्रिक है दोस्तों, तो वो ट्रिक आज डिस्कस करने जा रहा हूँ दोस्तों। ट्रिक का नाम है दोस्तों पुत्र अड़ा डेट फंसा। ये ट्रिक तो आप याद कर सकते हो दोस्तों। मैं मानता हूँ कि दोस्तों 4 अक्षरों का ये लाइन है दोस्तों, पुत्र अड़ा डेट फंसा। पुत्र अड़ा अगर डेट फंसा, ये बात अगर याद कर लेते हो दोस्तों, तो भारत के अंदर जो भी 6 कंपनी आई थी दोस्तों, वो सारी कंपनियाँ आपको याद हो जाएगी दोस्तों और भी सिक्वेंस से होगी दोस्तों। तो एक्सप्लेन करता हूँ दोस्तों इस ट्रिक को। पुत्र सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों पुत्र की, तो पुत्र से हो गया दोस्तों। सबसे पहले कौन सी कंपनी आई थी दोस्तों, पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी दोस्तों भारत में 1498 में। देन फिर अड़ा की बात करते हैं, तो अड़ की बात कर लेते हैं पहले दोस्तों, तो फिर आई थी अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी 1600 ईस्वी के अंदर। डा की बात करें दोस्तों, तो डच ईस्ट इंडिया आई थी दोस्तों 1602 ईस्वी में। अब फिर बात करते हैं दोस्तों डेट की, डेट की हम बात करें तो डे से हो जाएगा दोस्तों, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी दोस्तों 1616 ईस्वी के अंदर दोस्तों। अब फसा की बात कर लेते हैं दोस्तों, फसा तो फ का अलग होगा दोस्तों, सा का अलग होगा, तो फ का होगा दोस्तों फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी दोस्तों 1664 में। और लास्ट में दोस्तों सा है, तो सा से हो जाएगा स्वीडन ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी 1731 ईस्वी में दोस्तों। तो याद हो गया दोस्तों, पुत्र पुत्र से दोस्तों पुर्तगाल कंपनी हो गई दोस्तों, अडा में दोस्तों ऐसे हो गई अंग्रेजी कंपनी, और डा से हो गई दोस्तों डच कंपनी, डेट से हो गई दोस्तों, डेट से कौन सी हो गई दोस्तों डच हो गई दोस्तों, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी हो गई दोस्तों और डच हो गई दोस्तों, और दोस्तों फसा से हो गई दोस्तों फ्रांसीसी हो गई और स्वीडन हो गई दोस्तों। तो इस प्रकार से सारी कंपनियां याद हो जाएगी दोस्तों। और दोस्तों वीडियो पसंद आया तो इसे एक लाइक कीजिए दोस्तों, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कीजिए दोस्तों।